शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे क्या देख रही? यही सोच रही हूँ कि मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा हमें, जो मेरी किस्मत की लकीरों में आपका नाम लिखा है। और अगर आज मैं नहीं आता तो ये सोचती ना, है मेरी फूटी किस्मत, कैसा पति मिल गया। नहीं, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है, तभी तो मैं रागिनी से अकेले लड़ने की हिम्मत कर पाई। श्वेता, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया, वादा किया ना तुमसे, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। अब है, आप देखिएगा, एक एक करके हम रागिनी से अपना सब कुछ वापस लेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे घर की खोई खुशियां फिर से वापस आएंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सच का साथ दे रहे हैं। हाँ श्वेता, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रागिनी को तो जीतने नहीं देंगे। वैसे अब है, नए घर में सब कैसे हैं? ठीक है ना? रागिनी, बाहर निकलो! बाहर निकलो रागिनी! रागिनी, रागिनी बाहर निकलो! सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे चैन से जीने भी नहीं दोगी क्या हमें? बेशरम है ये वरुण जी, देखा नहीं कैसे धोखे से इसने हमारा सब कुछ छीन लिया। अगर इतना ही दम था ना तो मुंह पे वार करती। अरे वाह, धोखा देने वाली मुझ पर धोखे का इल्जाम लगा रही है? तुमने तो तुम्हारे पति, परिवार, सगी बहन, यहां तक कि बेटी को भी धोखा दिया ना, और मुझसे सवाल कर रही हो? उस वजह से तुमने अपने पति को तो मार ही दिया, अब तुम्हें तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारी वजह से मुझे कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम सब ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने के लायक हो। और तुम्हें क्या लगा कि हम लोग चुपचाप सहते रहेंगे? हाँ, क्योंकि सहने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। रास्ता है रागिनी, कानून का रास्ता। हम फिर से तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाएंगे, अदालत में घसीटेंगे तुम्हें, और जितना नीचे तुमने हमें गिराया है ना, उतना ही नीचा तुम्हें गिराएंगे। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन मेरे घर में मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे? हमें नीचे जाके रोकना चाहिए, न जाने रागिनी क्या घर बैठे। नहीं, हमें अभी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभय, कहीं रागिनी ने कीर्ति को इतना ना उकसा दिया कि कीर्ति गुस्से में कुछ कर बैठे। शेरा। यस मैम। अभी के अभी इस कचरे को मेरे घर से बाहर निकालो। वरुण जी और कीर्ति कहाँ है? यहाँ दिख रहे हैं? नहीं ना, तो यहाँ नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी उन दोनों की आवाज सुनी है यहाँ। सिर्फ आवाज ऊंची नहीं की तुम्हारी बहन, उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। इस बार तो मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन आइंदा कभी उसने ऐसा किया तो उसे सजा देने से पहले मैं दोबारा नहीं सोचूंगी।
चलो शर्दा। खराब है तुम्हारा? आवाज नीचे। खराटे लेते लेते तुम दोनों भूल गए क्या कि तुम इस घर के नौकर? इतनी देर तक इतने आराम से कैसे सो सकते हो तुम दोनों? मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, 11 बजे से पहले सारा खाना बन जाना चाहिए और पूरा का पूरा घर साफ। जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? वक्त देख रहे हो क्या हो रहा है? और अपने काम की लिस्ट, इतने से टाइम में कैसे होगा ये सब कुछ? नौकरों का काम सिर्फ ऑर्डर लेना होता है, सवाल करना नहीं। अबे आज इतना काम कराऊंगी इनसे, किस घर में इनका आखिरी दिन होगा। मुझे कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी तो मैंने सोचा कि काम नहीं करने का इससे बेहतर बहाना नहीं मिला तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, ये मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। तो यहाँ वहां घुसना बंद करो, समझी तुम? लेकिन बंद। ये काम ना सब अपने आप नहीं होगा, कमरे भी साफ करने, खाना भी बनाना है। चलो जाओ। इस कमरे पर ताला लगा अभी, और इस पर पूरी नजर रखना, देखना कि कोई भी इसके आसपास ना भटके, और खास करके श्रद्धा, इसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। जानती हूँ ये सब कुछ रागिनी नहीं किया है, मेरे काम को और मुश्किल करने के लिए। क्या कर, हे भगवान, अभी सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी रह गया है, वो भी इतना सब कुछ करना है, कैसे होगा? हमारी श्रद्धा और सोच में जब ठान ली है तो करना तो पड़ेगा। हम आ गए, तुम अकेली रही हो। अब चलो जल्दी से ना हम सफाई कर लेते। अरे बुआ जी, मैं तो भूल ही गई, हलवा भी तो बनाना है, कितना सारा काम बाकी है। अरे तो परेशानी क्या है, हम है ना, हम हलवा बना देंगे। मैं
वैसे भी कौन सा तुम हमसे बेहतर हलवा बनाती हो? वैसे मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि रागिनी घर में अपने कई सारे मेहमानों को बुलाने वाली है, तो उसमें मैं सबके लिए सांभर बना देती हूँ ना, और इडली भी और वड़ा भी, जल्दी हो जाएगा, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। अरे हाँ, लेकिन बाकी का सारा सामान नहीं है, वो कहाँ से आएगा? ये लो बेटा, सारा सामान आ गया है। ये इतने हैरानी से क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से हमसे छुटकारा पा लोगी? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आरती सोनिया कहाँ रह गए? हम अकेले वहां क्या करते, तो हम भी आ गए, तो अब जल्दी से हमें हमारे हिस्से का भी काम बता दो। अरे हम किस लिए है, हम सबको बताएंगे कि किसको क्या काम करना है। आरती तुम ना ड्राई फ्रूट्स कट कर लो, भाभी हलवा बना रही है, और सोनिया तुम एक काम करो, तुम ना खीर की तैयारी करो, सब्जियां हम श्रद्धा के साथ मिलकर देख लेंगे। अरे बहुत काम है, सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रागिनी क्या हो गया? अब तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती ना, मैं तुम्हारे लिए ले आती। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जैसे कि अपनों का प्यार, अपनों का साथ, अटूट रिश्ते या अपना परिवार, अगर कुछ चाहिए तो बताओ। भाभी जलन में जरा नमक डाल दीजिएगा। हमारा मतलब था कि सब्जी में नमक डाल दीजिएगा। वैसे भाभी नए घर में जाने से तो बेहतर है किसी की हारी जली भुनी शक्ल ही देखना, है ना? बिल्कुल सही कह रही है रितु, अब तड़के के साथ अपना घर लग रहा है। ये हमें हमारे ही घर से बाहर करने वाली थी। इसकी हुई क्यों ना, हम ऐसी जलाएंगे कि खुद ही भाग जाएगी इस घर से। सच में अगर हमारा बस चलता ना तो हम उसे चार बातें सुना के ना उसका कान ही पका देते, पर ये श्रद्धा बोलने तो देगी ही नहीं। इसे क्या लगा कि श्रद्धा अकेली है इसीलिए पूरी रसोई इस तरह फैला दी? उसे ये नहीं पता जो श्रद्धा का काम बिगाड़े उसकी अकल ठिकाने आए। कुछ भी करके वो डील आज के आज साइन हो जानी चाहिए। अरे अरे रुको, अरे हम पोछा लगा रहे हैं, फर्श गीली है, गिर जाओगी, रुको वहीं पर। आप कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं अपने घर में कहां जाऊं और कहां नहीं? अरे हम बोल रहे थे तुमको रुको, लेकिन तुम्हें तो उल्टा ही करना है, गिरना है, तो गिर गई। भाभी जो लोग ना अहंकार में एकदम अंधे हो जाते वो तो फिसलते ही फिसलते। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब देखना मैं क्या करती हूँ।
खबर तो सही है ना? क्या श्रद्धा, सारा मजा किटकिरा कर दिया तुमने, क्यों की उसकी मदद? ये गलत है अभय। अच्छा, वो हमें परेशान करे वो सही है, लेकिन हम उसे उसी के तरीके से मजे चखाएं तो वो गलत है, ये क्या है? यही तो बात है मम्मी जी, हमें रागिनी की तरह नहीं बनना है, हमें उसे उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन अपनी भाषा में, उसकी भाषा में नहीं। हर बार जहर को जहर तो नहीं काट सकता ना। अच्छा चलो, मम्मी और बुआ बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा खैर छोड़िए, वैसे सारा काम तो हो चुका है, मैं अभी आती हूँ। काम खत्म हो गया? हाँ, अभी भी काम बाकी है। मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे डिसाइड कर दिया कि काम खत्म हो चुका है? इसका क्या? अरे रागिनी, ये सारे कपड़े धुल जाने चाहिए अभी। इतने सारे कपड़े कैसे हो गए इतनी जल्दी? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है शतक, एक घंटे में ये सारे कपड़े धुल के रेडी हो जाने चाहिए। मेरा मन इनमें से कोई भी कपड़ा पहनने को हो सकता है। पर रागिनी, एक घंटे में इतने सारे कपड़े धुल जाएं, सूख जाएं और तैयार हो जाएं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो मैं इसे अब करूंगी। अरे रागिनी क्या कर रही? अरे कर रही थी ना तुम, अपने परिवार से मिली जरा सी हिम्मत से मुझे चुनौती देने चली थी, तो अब अगर एक घंटे में ये सारे कपड़े धुल के रेडी नहीं हुए तो देख लेना, सजा मिलेगी तुम्हारी सासू माँ को। अपना टूटा फूटा दर्द भरा हाथ लेके ना उन्हें ये पूरा का पूरा घर साफ करना पड़ेगा। माता रानी, इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगी? इतने सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए, ऊपर से इन पे दाग और लगा दिया, अब एक घंटे मैंने धोकर सुखाना भी है, पता नहीं कैसे होगा। ये श्रद्धा भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, अभी रागिनी का बड़बड़ शुरू हो जाएगा पार्टी को लेकर। अरे अभी संभल के, तुमने ये क्या नया शुरू कर दिया? रागिनी ने दिए इतने सारे कपड़े धोने के लिए, ऊपर से इन कपड़ों पे इंक और डाल दिया है, कह रही है कि एक घंटे में ये सारे कपड़े धुल जाने चाहिए और सूख के तैयार भी हो जाने चाहिए, क्योंकि मैडम का इनमें से कुछ भी पहनने का मूड हो सकता है। इस रागिनी के मूड की तो मैं, अभय प्लीज रहने दीजिए, इन सब बातों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वैसे ही वक्त बहुत कम है। ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े धोना आता भी है आपको? ओ हेलो, चंद्रमा पे रॉकेट भेजने जैसा नहीं है, चुटकियों में सीख लूंगा और तुमसे बेहतर। बाशिंदा है तू।
नहीं पापा जी, आप रहने दीजिए, रागिनी मैम शायद भूल रही हैं, ये साफ सफाई का काम तो मेरा है ना रागिनी मैम? मेरे मेहमानों के सामने ज्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, अब देखो ऐसा तमाशा बनाऊंगी तुम सबका कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे तुम्हारे रागिनी, जब तुम्हारे हर बार के बदले हम सब सह कर भी ब्रह्मास्त्र तुम पे चलाएंगे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।